अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट हम स्टडी करेंगे वो है अजम्पशंस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जिसे हम मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी को डिटेल में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में जो हम बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं वो कार्डिनल अप्रोच से स्टार्ट कर रहे हैं। दोनों अप्रोचेस यूटिलिटी की, यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू, इन दोनों अप्रोचेस के थ्रू हमारी थ्योरी ऑफ डिमांड जो है वो हम डिमांड कर्व डिराइव करते हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड एक्सप्रेस करते हैं, जो कि हमें बताती है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। कार्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने से पहले, डिमांड कर्व को डिराइव करने से पहले, हमें कुछ अजम्पशंस देखना जरूरी है कि कार्डिनल जो अप्रोच है वो कौन सी अजम्पशंस को लेते हुए चलती है। और फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में कि ये यही वो अजम्पशंस हैं जिनकी वजह से इस अप्रोच पे बहुत ज्यादा जो है इकोनॉमिस्ट, रीसेंट इकोनॉमिस्ट ने पॉइंट आउट किया इसके बहुत सारे सेवरल फ्लॉज की, ये बहुत ज्यादा इसने अज्यूम करा और इसकी अजम्पशंस बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक थी। और जिसके बाद फिर हमारे पास ऑर्डिनल अप्रोच आई। तो सबसे पहले अजम्पशंस देख लेते हैं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपकी अजम्पशन है वो है रैशनैलिटी की। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो है वो अज्यूम करता है कि कंज्यूमर जो है वो रैशनल है। रैशनल मीन्स कि कंज्यूमर जो है वो उसके पास डिसीशन मेकिंग पावर है और वो सिंपली जो भी एक्सपेंडिचर कर रहा है अपनी इनकम में रहते हुए, वो कोशिश कर रहा है कि अपनी सेटिस्फेक्शन को, अपने यूटिलिटी को क्या करे, मैक्सिमाइज करे। तो ये उसका एम है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का। तो फर्स्ट अजम्पशन हो गई हमारी रैशनैलिटी। सेकेंड अजम्पशन हमारे पास सेम कार्डिनल यूटिलिटी की आ जाती है कि जो यूटिलिटी को हम इस एनालिसिस के थ्रू जो हम यूटिलिटी को देखेंगे वो हम एज अ मेजरेबल और क्वांटिफाइबल यूटिलिटी देखेंगे कि एक पर्सन जो है वो यूटिलिटी और जो सेटिस्फेक्शन जो डिराइव कर रहा है उसको नंबर फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, तो ये कार्डिनल यूटिलिटी को देख की अजम्पशन जो है वो इस एनालिसिस में हम लेते हैं। थर्ड अजम्पशन हमारे पास आती है कि यूटिलिटीज आर इंडिपेंडेंट। अच्छा, अब यूटिलिटीज आर इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? हम किसी भी एक कमोडिटी से जो सेटिस्फेक्शन हम डिराइव करते हैं, जो यूटिलिटी डिराइव करते हैं, उसका वो इंडिपेंडेंट है किसी दूसरी कमोडिटी की सेटिस्फेक्शन से। यानी जो डिफरेंट कमोडिटी से हम डिफरेंट सेटिस्फेक्शन डिराइव कर रहे हैं, उन यूटिलिटीज का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। आपस में वो दो यूटिलिटीज एक दूसरे से किसी भी तरह इफेक्ट नहीं हो रही हैं। इट मीन्स कि जो सेटिस्फेक्शन डिराइव हो रही है हमें, हम एक गुड की कंजम्पशन से जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो फंक्शन है उस कमोडिटी का सिर्फ और सिर्फ। फॉर एग्जाम्पल, चले एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं कि मैंने पेन परचेज करा। ठीक है, मुझे उस पेन से कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, कितनी यूटिलिटी मिलेगी, वो इंडिपेंडेंटली डिपेंड करता है किस पे, कि मैं उस पेन की कितनी क्वांटिटी मैंने परचेज करी है और मैं कितना उसे यूज कर रही हूँ। ठीक है, वो किसी भी दूसरी कमोडिटी पे और उसकी यूटिलिटी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, हम जब इसके क्रिटिसिज्म पे देखेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि ये आपकी अनरियलिस्टिक अजम्पशन है। चले यहाँ पे समझने के लिए एक छोटी सी बात मेंशन कर देती हूँ कि हमारे पास जो कमोडिटीज होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं। बहुत सारी कमोडिटीज आपकी रिलेटेड कमोडिटीज होती हैं, जैसे कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम एग्जाम्पल ले लें, फॉर एग्जाम्पल पेन और इंक की। ठीक है ना, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। खाली पेन से जो है वो हम काम नहीं कर सकते जब तक उसमें इंक नहीं होगी। तो हमें पेन और इंक एट द सेम टाइम जो है वो जरूरत होती है इसकी, एक साथ ये दोनों यूज होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो अगर मैंने पेन परचेज कर लिया तो इसकी यूटिलिटी डिपेंड करती है इंक पे, कि मेरे पास इंक है या नहीं। ठीक है ना, इसकी यूटिलिटी
एक्यूरेटली इस पर डिपेंड नहीं करती कि मेरे पास पेन की कितनी क्वांटिटी और मैं पेन को कितना यूज कर रही हूँ, लेकिन जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है उसने ये अज्यूम करा कि यूटिलिटीज क्या है इनडिपेंडेंट। पेन की यूटिलिटी डिपेंड करती है कि मेरे पास पेन की कितने यूनिट्स हैं, ठीक है। इंक की यूटिलिटी डिपेंड करती है कि इंक के कितने यूनिट्स हैं। इन दोनों की यूटिलिटी, इन दोनों से जो मुझे यूटिलिटी मिल रही है, ये आपस में किसी भी तरह डिपेंड नहीं करती, ये आपस में किसी तरह डिपेंड नहीं करती एक दूसरे पर, ठीक है। तो यूटिलिटीज आर इनडिपेंडेंट। इट मीन्स कि अगर मुझे टोटल यूटिलिटी जो है वो किसी भी इंडिविजुअल की मालूम करनी है कि उसने जो डिफरेंट गुड्स परचेज करे हैं और डिफरेंट गुड्स से उसे कितनी यूटिलिटी मिल रही है, तो मैं सिंपली कैसे मालूम करूंगी टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी आपका फंक्शन बन जाएगा डिफरेंट यूटिलिटीज के सम का, ठीक है। यानी यूटिलिटी किसका फंक्शन है? डिफरेंट कमोडिटीज का, कि भाई कितनी कमोडिटीज, कौन कौन सी कमोडिटीज आप परचेज कर रहे हैं। और जब हम मैं यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी फाइंड करूंगी, तो मैं कैसे फाइंड करूंगी कि मेरी फर्स्ट यूनिट एक्स कमोडिटी से मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, ठीक है। ये डिपेंड कर रहा है किस पे? सेपरेटली और इंडिपेंडेंटली एक्स के यूनिट पे, कि मैंने एक्स के कितने यूनिट कंज्यूम करे हैं और मुझे उससे कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है। प्लस फिर मैं देखूंगी कि मेरी यूटिलिटी वाई कमोडिटी को कंज्यूम करने से मुझे कितनी यूटिलिटी मिली। ये अगेन सेपरेटली किस पर डिपेंड कर रहा है? वाई कमोडिटी के ऊपर। तो इट मीन्स कि हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन जो आएगा वो एडिटिव आएगा। हम ऐड कर रहे हैं डिफरेंट कमोडिटी से जो हमें सेटिस्फेक्शन मिली उसे सिंपली हम ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास टोटल यूटिलिटी आ जाएगी कि इस इंडिविजुअल को टोटल कितनी यूटिलिटी मिली इन सारी कमोडिटीज को कंज्यूम करने से, ठीक है। फोर्थ अजम्पशन हमारे पास आती है कॉन्स्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट अजम्पशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था कि मार्शल ने बोला था कि यूटिलिटी कैन बी मेजरेबल अगर हम उसको मनी फॉर्म में, मनी टर्म्स में एक्सप्रेस करें। और हमने काफी डिटेल में ये बात देखी थी कि जब भी कोई भी इंडिविजुअल किसी भी कमोडिटी को परचेज करता है, तो वो जब ही परचेज करता है उसको जितना वो पे कर रहा होता है सिंपली उसको उतनी ही उससे सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है। अगर कोई इंडिविजुअल जाता है और वो देखता है कि भाई ये कमोडिटी जो है वो उसकी प्राइस जो है उसको ज्यादा लगती है, तो वो उसको परचेज नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको उससे उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही होती, उतनी यूटिलिटी नहीं मिल रही होती। तो हमने देखा था कि यूटिलिटी को कैसे मेजर किया जा सकता है कि इंडिविजुअल किसी भी स्पेसिफिक यूनिट को परचेज करने के लिए कितना पे करने के लिए तैयार है। तो हमने जो मेजरिंग रॉड लिया था, जो किसी भी कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी को मेजर करने के लिए हमने जो मेजरिंग रॉड लिया था, वो मनी को लिया था। और हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिस स्केल के थ्रू मेजर कर रहे हैं उस स्केल को चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वही स्केल जिसकी टर्म्स में हम अपने एनालिसिस को लेकर चल रहे हैं, अगर वही चेंज हो गया, मेजर इटसेल्फ चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिस मेजर को हम यूज कर रहे हैं और जिसके थ्रू हम मेजरमेंट कर रहे हैं, अगर वो मेजर इटसेल्फ चेंज हो गया, तो आपका एनालिसिस अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। अब होता क्या है कि जैसे जैसे हम कमोडिटी को परचेज करते हैं, तो हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास पहले 1000 रुपीज थे, ठीक है। मैंने इन 1000 रुपीज को स्पेंड कर दिया डिफरेंट कमोडिटीज पे, और अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कितने रह गए हैं? 200 रुपीज रह गए हैं। अब क्योंकि मेरे पास पहले से कम पैसे रह गए हैं, इट माइट हैपन कि मेरे लिए जो मनी की यूटिलिटी है वो क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। मेरे लिए अब जो 200 रुपए मेरे लिए बहुत डियरेस्ट हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए, कि बस अब मेरे पास यही 200 रुपए रहे हैं। और अगर यहाँ पे इट माइट पॉसिबल कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। लेकिन मार्शल इसको क्या करता है? इग्नोर करता है। मार्शल कहते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या रहना चाहिए? आपका कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि मनी के थ्रू ही तो हम इस एनालिसिस को लेकर चल रहे हैं, मनी के थ्रू ही तो हम यूटिलिटी को मेजर कर रहे हैं। तो अगर मनी इटसेल्फ जो मेजर है यही चेंज हो गया, यही वेरी कर गया डिफरेंट केसेस में,
तो फिर आपका एनालिसिस सही नहीं हो सकता। तो इस वजह से हम अज्यूम करेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। चलिए एक इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं और देती हूँ आप लोगों को। शायद आप लोगों ने इन्फ्लेशन का एक बेसिक आपको नो हाउ हो या आपने पढ़ा हो इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में क्या होता है कि हम कोई एक बेस ईयर बनाते हैं और उस बेस ईयर के मुकाबले में हम देखते हैं कि हमारे बेस ईयर के मुकाबले में जो करंट ईयर है उसमें कितनी इन्फ्लेशन हो गई। ठीक है, तो अगर और अगर हम इस बेस ईयर को चेंज करें तो हमारा पूरा एनालिसिस चेंज हो जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल मैं 2021 की इन्फ्लेशन मेजर करना चाहती हूँ और मैं उसको कंपेयर, उसके लिए मैंने बेस ईयर बनाया हुआ है 2018 को, तो मेरे पास एक स्पेसिफिक आ जाएगा कि फॉर एग्जांपल इस एरा के दरमियान जो है वो 10% इन्फ्लेशन हो गई है। लेकिन अगर मैं बेस ईयर को चेंज करके 2010 कर दूं, मैं जिस बेस ईयर को हम मेजर के तौर पे यूज कर रहे हैं, इसके थ्रू हम इन्फ्लेशन मेजर कर रहे हैं, अगर मैं इस बेस ईयर को ही चेंज करूं तो मेरा पूरा एनालिसिस चेंज हो जाएगा। अब अगर मैंने इस बेस ईयर को 2010 बना लिया, मैं प्रीवियस ईयर को मैंने बेस ईयर बना लिया बहुत, तो 2010 के मुकाबले में आप लोग इजीली समझ सकते हैं कि कितना टाइम बीच में आपका 10 इयर्स का टाइम आ गया। तो इस दौरान अगर आप 2010 को और 21 को कंपेयर करेंगे तो आपको इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा दिखेगी। ठीक है, तो आपका इन्फ्लेशन का जो डिजिट है वो ही चेंज हो जाएगा। तो सिंपली सिर्फ ये समझाने की कोशिश करी मैंने कि जो मेजर आप यूज कर रहे होते हैं, जिसके थ्रू आप मेजरमेंट कर रहे होते हैं किसी चीज की, अगर आप उसी मेजर को चेंज कर देंगे तो आपका पूरा एनालिसिस चेंज हो जाएगा। इसीलिए मेजर इटसेल्फ शुड नॉट चेंज। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की हमारे पास एक और अजम्पशन आ गई। लास्ट अजम्पशन जो आप देखेंगे, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ने अज्यूम किया था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को, और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सिंपली आपकी ये थ्योरी है जिसको हम नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी, कि जैसे जैसे कोई भी इंडिविजुअल किसी कमोडिटी के यूनिट्स कंज्यूम करना स्टार्ट करता है तो उसकी फर्स्ट यूनिट से जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है और उसके बाद जो सेकेंड यूनिट से उसकी सेटिस्फेक्शन होती है वो फर्स्ट यूनिट के मुकाबले में कम होती है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी यूटिलिटी उसको ख्वाहिश होती है उस चीज की, जो डिजायर होती है उसकी, जब उसको वो चीज मिल जाती है तो उसकी वो डिजायर कम होती रहती है। ठीक है, हमने इसकी एग्जाम्पल आप इजिली ग्लास ऑफ वाटर से ले सकते हैं। आपको बहुत प्यास लग रही है, आपने पहला ग्लास पानी का पिया तो आपको उससे कोई सेटिस्फेक्शन मिली, जब आपने सेकंड ग्लास पानी का पिया तो स्पेसिफिकली उस सेकंड ग्लास ऑफ वाटर से आपको सेटिस्फेक्शन तो मिली, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर के मुकाबले में कम होगी, क्योंकि पहला ग्लास पानी पीने के बाद आपकी काफी हद तक सेटिस्फेक्शन जो है वो आपको मिल चुकी थी, आपकी प्यास किसी हद तक बुझ चुकी थी, तो सेकंड ग्लास ऑफ वाटर में आपको वो वाली बात नहीं आएगी जो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर से आपको मिली थी। ठीक है, तो सिंपली डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का लॉ जो हमने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में अज्यूम करा हुआ है वो ये है कि जो यूटिलिटी हम गेन कर रहे होते हैं किसी भी कमोडिटी के सक्सेसिव यूनिट से, वो जो है वो डिमिनिश होती रहती है। और ये जो लॉ है ये सिंपली बेस करता है इंट्रोस्पेक्शन पे। इंट्रोस्पेक्शन का सिंपली मतलब ये होता है कि आप अपने माइंड से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने माइंड से जज करें किसी दूसरे के माइंड को। यानी फॉर एग्जांपल मुझे मेरा एक एक्सपीरियंस है और मैं अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए ये इन्फ्रेंस जो है वो ड्रॉ करूं कि दूसरे पर्सन का भी वही एक्सपीरियंस होगा, जब वो ये चीज करेगा तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वही उस दूसरे इंडिविजुअल का भी रहेगा। तो इकोनॉमिस्ट अपने एक्सपीरियंस की हेल्प से जो है जो वो फील करते हैं वो सिंपली जो है ये इन्फ्रेंस जो है ड्रॉ करते हैं कि जितने भी लोग हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, उनका माइंड भी इसी तरह फील करता है जिस तरह उनका फील करता है। तो ठीक है, तो ये इंट्रोस्पेक्शन कहलाती है कि अपने एक्सपीरियंस को अपने माइंड्स में जो आपका चल रहा है, जो आप अपने एक्सपीरियंस से आपने सीखा, आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ जो है मुझे ऐसा फील होता है और यही फील हर इंडिविजुअल को होगा। ठीक है,
तो सिंपली डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी का जो लॉ है ये बेस करता है इंट्रोस्पेक्शन पे कि एक इंडिविजुअल है, मैंने फॉर एग्जांपल ये पानी का ग्लास पिया और मुझे मुझे एक ये चीज मुझे फील हुई कि पहले ग्लास पानी के पानी से मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, दूसरे से मुझे कम मिली और तीसरे से उससे भी कम मिली, तो मेरी जो एडिशनल यूटिलिटी है इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है. तो मैं ये अज्यूम करूंगी अपने इस एक्सपीरियंस से, मैं ये कंक्लूड करूंगी जो दूसरे इंडिविजुअल्स का माइंड है वो भी इस सिमिलर फैशन में वर्क करेगा. मीन्स वो भी जब इस तरह किसी भी कमोडिटी की कंटिन्यूस कंजम्पशन करेंगे तो हर यूनिट पे उनकी जो सेटिस्फेक्शन है वो डिमिनिश होगी, ठीक है. तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है, मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी कंप्लीटली डिपेंड करता है इंट्रोस्पेक्शन पे कि आपके साथ जो हुआ आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि बाकी सबके साथ भी ऐसा ही होगा. तो ये हमारे पास कुछ मेन अजम्पशंस थी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की. उम्मीद है कि आपको क्लियर हुई होंगी. अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में हम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझेंगे.